हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी शाइनी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ जोविस हर्बल बायो रेटिनॉल रीवाइटा एजिंग स्किन रिकवरी सीरम का रिव्यू। इसके जो भी बेनिफिट्स है, इंग्रेडिएंट्स लिस्ट है, किस तरह से हमें इसे इस्तेमाल करना है, कौन कौन इस्तेमाल कर सकता है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसे इस्तेमाल करने के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। सो इसे खरीदने से पहले मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर आप कोई सीरम ढूंढ रहे हैं तो उसके लिए भी इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि मैं सीरम क्यों इस्तेमाल करना है, क्रीम और सीरम मतलब मॉइस्चराइजर और सीरम में क्या क्या डिफरेंसेस है, सब मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल। मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जोविस का ये सीरम इस तरीके के एक कार्डबोर्ड केस में आता है, और इसमें ये लाइट ब्लू और जो व्हाइट का कॉम्बिनेशन है वो मुझे काफी अच्छा लगा। एंड इसे जब हम लोग ओपन करते हैं देन कम्स दिस वेरी क्यूट बॉटल, और ये ड्रॉपर फॉर्म में आता है विच इज़ वेरी यूजर फ्रेंडली एंड कन्वीनियंट ऑल्सो। काफ़ी स्टर्डी है इसकी पैकेजिंग विच आई लव, एंड इस तरीके के सीरम्स अगर ड्रॉपर फॉर्म में आते हैं तो बेस्ट होता है फॉर सीरम एप्लीकेशन। अब सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि सीरम और मॉइस्चराइजर में डिफरेंस एक्चुअली है क्या। सीरम में एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि हमारे स्किन में डीपर लेयर्स तक पेनिट्रेट करता है, और वो जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है वो सर्टेन स्किन कंसर्न्स को ट्रीट करने के लिए बेस्ट होता है। और क्रीम्स मॉइस्चराइजर्स ये हाइड्रेशन मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करने के लिए अच्छा है, बट इसमें कोई एज सच एक्टिव इंग्रेडिएंट्स नहीं होते हैं। ये थिकर होते हैं जिसकी वजह से स्किन में डीपर लेयर्स तक पेनिट्रेट नहीं कर पाता है। कभी कभार तो अगर थिक मॉइस्चराइजर्स विंटर सीजन में हम लोग अप्लाई करते हैं, जो कि जनरली हम लोग करते ही हैं, तो वो हमारे पोर्स को भी क्लॉग कर सकता है। बट सीरम्स आर वेरी लाइट वेट जिसकी वजह से वो डीपर लेयर्स तक पेनिट्रेट तो करता ही है, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स आपके स्किन में वर्क करता है बट वो हमारे पोर्स को क्लॉग नहीं करता। तो मुझे सीरम्स तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, एंड कुछ गिने चुने सीरम्स ही मेरे स्किन पर सूट करता है, एंड दिस सीरम इज़ वन ऑफ देम। मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है बट ये सीरम मेरी स्किन पर इतने अच्छे से वर्क करता है। बट इसे इस्तेमाल करने से पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन जानने की ज़रूरत है। ये एक बायो रेटिनॉल सीरम है। ये जो बायो रेटिनॉल है दिस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विडन पिलोसा। अब आप लोगों के मन में ये सवाल तो जरूर आया होगा कि बायो रेटिनॉल एक्चुअली है क्या। बायो रेटिनॉल एक सेफ स्टेबल एंड प्लांट बेस्ड अल्टरनेटिव है फॉर रेटिनॉइड। तो क्या रेटिनॉल और बायो रेटिनॉल दोनों सेम ही है? बायो रेटिनॉल विटामिन ए फैमिली से नहीं बिलोंग करता, बट इसका जो वर्किंग है वो सिमिलर है एज टू रेटिनॉल, एकदम सेम ही काम करता है, इवन बेटर, क्योंकि रेटिनॉल में जो साइड इफेक्ट्स आप फेस करेंगे वो बायो रेटिनॉल में बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आप सर्च करोगे गूगल पर तो भी आप जान पाओगे कि बायो रेटिनॉल बेस्ट वर्क करता है इन कॉम्बिनेशन विथ हाइलुरोनिक एसिड, और इस सीरम में 2% बायो रेटिनॉल है विथ 1.2% हाइलुरोनिक एसिड, सो दिस वर्क्स परफेक्ट। इंग्रेडिएंट्स लिस्ट में अगर हम लोग देखें तो मेजर इंग्रेडिएंट्स तो हमें पता ही है 2% बायो रेटिनॉल एंड 1.2% हाइलुरोनिक एसिड, लेकिन उसके साथ साथ इसके अंदर पोमेग्रेनेट एक्सट्रैक्ट, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, सो ये सब हर्बल एक्सट्रैक्ट्स भी है। सो दिस इज कम्प्लीटली नेचुरल एंड सेफ टू यूज ऑन योर स्किन। बट सीरम्स को इस्तेमाल करने का एक सही तरीका है, आपको वही तरीका फॉलो करना है। क्लीन फेस पर आपको सीरम सप्लाई करने हैं। पहले आप अपने फेस को अच्छे से कोई भी क्लेंजर से वॉश कर लीजिए, उसके बाद आप टोनर इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैं टोनर आजकल नहीं इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं डायरेक्टली इस सीरम को इस्तेमाल करती हूँ। जस्ट आपको इसे ड्रॉपर से लेना है, स्क्वीज करना है सफिशियंट अमाउंट। मैं डायरेक्टली अपने फेस पर इसे स्क्वीज कर लेती हूँ एंड देन जेंटली मैं सीरम को मसाज करती हूँ यूजिंग माई फिंगर टिप्स, एंड इट इंस्टेंटली गेट्स अब्सॉर्ब्ड इनटू माई स्किन, और काफ़ी सॉफ्ट एंड प्लम्प फील देता है स्किन को। एंड इस विंटर सीजन में भी मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेटेड मॉइस्चराइज्ड फील होती है। मैं जनरली इसे मॉर्निंग में इस्तेमाल करती हूँ, बट आप इसे मॉर्निंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड इफ़ यू विश यू कैन यूज दिस एट नाइट एज वेल।
अब बात करते हैं इस सीरम के प्राइस के बारे में। 30 ml ऑफ दिस सीरम रिटेल्स फॉर जस्ट 565 rupees। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर इसकी परचेजिंग लिंक्स प्रोवाइड किया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कर सकते हैं। बट मैंने इसे Amazon से परचेज किया है पर्सनली, और Amazon से जब आप कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट परचेज करेंगे, स्पेशली दिस सीरम, तब आप सेलर का जो नाम है वो एक बार चेक कर लेना। आई हैव परचेज दिस फ्रॉम जोवीज सेलर, तो आप भी जोवीज सेलर से ही परचेज करना, तो आपको जेन्युइन प्रोडक्ट्स मिलेंगे। सो ये सीरम कौन कौन इस्तेमाल कर सकता है? अगर आपकी स्किन एक्सट्रीमली ड्राई है, सेंसिटिव है, कोई भी ग्लो नहीं है, और आपकी 2-3 महीने में शादी है, आप एक अच्छा सा ग्लो चाहते हैं, सिर्फ वेडिंग ही नहीं, अगर कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन है या फिर इन जनरल आप अपनी स्किन पर एक बहुत ही खूबसूरत सा ग्लो लाना चाहते हैं, तो आप इसे डेफिनेटली इस्तेमाल कर सकते हैं। बिकॉज इसमें ना एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी है, फाइन लाइन्स, रिंकल्स की प्रॉब्लम को ये काफ़ी हद तक रिड्यूस करता है, कोलाजन प्रोडक्शन को भी ये बूस्ट करता है। तो एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होने की वजह से ये स्किन को ना बहुत ही ज़्यादा एक टाइटन्ड लुक देता है। एज यू ऑल नो, मेरी अभी कुछ महीने में शादी है, तो मेरा जो स्किन केयर रूटीन है ना वो बहुत ही ज़्यादा सॉर्टेड है, शॉर्ट एंड सिंपल है। मैं कभी भी इस सीरम को इस्तेमाल करना नहीं भूलती हूँ, बिकॉज ये इतना अच्छा एक ग्लो प्रोवाइड करता है मेरी स्किन पर, एंड इसके जो बेनिफिट्स है वो चेंजेस मुझे नज़र आ रहे हैं, एंड आप डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हैं। दिस इज सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स, एंड द बेस्ट पार्ट इज दिस इज मेड इन इंडिया, क्रुएल्टी फ्री, वेजिटेरियन, एंड इसमें किसी भी तरीके का हार्श हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, जैसे कि पैराबेंस, सल्फेट, सिलिकॉन, पॉलीमर, PEG नहीं है। सो दिस इज कम्प्लीटली सेफ। ऑयली स्किन पीपल के लिए भी ये परफेक्ट रहेगा, क्योंकि ये ऑयल फ्री फॉर्मूला है, फास्ट अब्जॉर्बिंग है, बहुत ही लाइट वेट है, इंस्टेंटली स्किन पर अब्जॉर्ब हो जाता है, स्किन को हाइड्रेशन भी प्रोवाइड करता है, सॉफ्ट भी बनाता है। अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके कोलाजन प्रोडक्शन को तो बूस्ट करेगा ही, बट इट ऑल्सो इम्प्रूव्स स्किन इलास्टिसिटी, विच इज वाई स्किन पर एक अलग सा ग्लो आपको नजर आएगी। अब चलिए देख लेते हैं कि इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। एज सच कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बट आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, व्हेनेवर यू आर यूजिंग एनी रेटिनॉल और बायो रेटिनॉल बेस्ड सीरम, आप अपने स्किन केयर रूटीन में कोई भी विटामिन सी बेस्ड प्रोडक्ट्स ना इस्तेमाल करें, या फिर अगर आप कोई विटामिन सी बेस्ड प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे स्टॉप कर दीजिए, एंड उसके बाद आप इस सीरम को इस्तेमाल करना स्टार्ट करें, क्योंकि जो रेटिनॉल और जो विटामिन सी है ये दोनों इंग्रेडिएंट्स आप एक साथ कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मेरा कंक्लूजन एकदम क्रिस्टल क्लियर है, आई विल हाईली सजेस्ट यू ऑल टू गो फॉर दिस फेस सीरम, अफोर्डेबल है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे इसके इंग्रेडिएंट्स लिस्ट है, बेनिफिट्स भी आपको बहुत जल्द मिलेंगे, और काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स हैं, ग्लो प्रोवाइड करता है, फाइन लाइन्स, रिंकल्स की प्रॉब्लम को रिड्यूस करता है। सो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करना। आज के लिए इतना ही, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय।